हेलो ये क्वेश्चन हमारा 2076 थाउजेंड का है यहाँ पे हमें सपोर्ट मूवमेंट फाइंड करने के लिए कहा गया है बाय द हेल्प ऑफ मूमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड लास्टली बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाने के लिए कहा गया है फॉर द कैलकुलेशन देर आर फोर स्टेप्स फिक्स इन मूमेंट निकालना देन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर टेबल आफ्टर दैट मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड लास्टली फाइंड बेंडिंग मूवमेंट एंड ड्रॉप सबसे पहले स्टेप में हमें फिक्स इंड मोमेंट निकालना है कैलकुलेशन ऑफ इन मोमेंट अस सपोज कि हमारा जितना भी मेंबर का इंड है वो सारा फिक्स्ड है लाइक यहाँ पे बी एंड सी बोथ आर हिंसड बट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फिक्सड इन मूवमेंट वी विल सपोज कि हमारा बी पॉइंट भी और सी पॉइंट भी दोनों फिक्स्ड है सो ए टू बी वेन फिक्सड देन अभी यहाँ पर हमारा रिएक्शन लग रहा है फोर्टी किलो न्यूटन तो फोर्टी किलो न्यूटन डिवाइड्स द लाइन ए बी इन टू सेक्शन एक सेक्शन फोर मीटर में डिवाइड हो रहा है तो दूसरा सेक्शन टू मीटर में डिवाइड हो रहा है देन फॉर द कैलकुलेशन जब हमारा पॉइंट लोड किसी एक लाइन को दो अलग अलग डिविजन्स में डिवाइड कर रहा होता है तब हमारा फॉर्मूला हो जाता है पी ए बी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर देन बाय द कैलकुलेशन पुटिंग वैल्यूज जिसमें कि हमारा ए फोर है और बी टू है पी का मतलब हो गया फोर्टी किलो न्यूटन गेट आवर वैल्यू सेवनटीन पॉइंट सेवन सेवन किलो न्यूटन मीटर तो वैसे ही हमने पहले पी ए बी निकाला तो अब पी बी ए निकालेंगे पी बी एक्वल्स टू पी इंटू बी इंटू ए स्क्वायर पहले हमने पी ए स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर किया था लेकिन अब हम मोमेंट निकाल रहे हैं बी टू ए हम यहाँ पे बी से ए जा रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा पी बी ए स्क्वायर बाय एल स्क्वायर जिसका हमारा वैल्यू आएगा थर्टी फाइव पॉइंट फाइव फाइव सिक्स किलोनीटर मीटर ये हम तब ये फार्मूला हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारा पॉइंट लोड पॉइंट लोड डिवाइडिंग द लाइन इन टू डिफरेंट अनिकवल सेक्शन ओके नाउ फिक्स्ड इन मूवमेंट कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड इन मूवमेंट व्हेन पॉइंट लोड डिवाइड्स द लाइन इक्वली यहाँ पे हम देख सकते हैं थर्टी न्यूटन जो है लाइन को डिवाइड कर रहा है इन थ्री मीटर थ्री मीटर इक्वल सेक्शन सो मोमेंट अबाउट बी सी वेन एवर वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब भी हम मोमेंट निकालेंगे और हम लेफ़्ट से राइट right जा रहे होंगे तब हमारा मोमेंट हमेशा नेगेटिव में आएगा As you can see, कम जब बी से सी जा रहे हैं मतलब लेफ्ट टू राइट देन हमारा जो मोमेंट आ रहा है वो नेगेटिव में आएगा सेम फॉर दिस वन यहाँ पे भी हम जब लेफ्ट से राइट right जा रहे थे तो हमारा नेगेटिव था देन एम बी सी इक्वल्स टू ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव फाइव पुटिंग द फॉर्मूला पी एल बाई एट एम सी बी सेम फॉर्मूला होगा बस यहाँ पे पॉजिटिव होगा बिकॉज नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जब राइट right से लेफ्ट जाएंगे तो हमारा हो जाएगा पॉजिटिव पी एल बाई एट पी एल बाई एट क्यों क्योंकि हमारा जो पॉइंट लोड है उसने लाइन को इक्वल सेक्शन में डिवाइड किया है सो पी एल बाई एट पुटिंग द वैल्यू इज ट्वेंटी फाइव किलोमीटर मीटर इज द मूवमेंट अबाउट सी डी देन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सेक्शन सी डी अब यहाँ सी डी में हमारा पॉइंट लोड बिल्कुल नहीं है देर ओनली यू डी एल यू डी एल ऑफ टेन किलो न्यूटन पर मीटर सो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे डब्लू एल स्क्वायर बाई टूएल माइनस माइनस क्योंकि हम यहाँ पे सी से डी जा रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो इसीलिए हमारा यहाँ माइनस तो जब हम फॉर्म वैल्यूज uh, रखेंगे तो माइनस थर्टी न्यूटन मीटर आएगा सेम फॉर दिस वन एम डी सी नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट सो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टूएल्व पॉजिटिव थर्टी न्यूटन मीटर नाउ स्टेप टू कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर सो इन दिस आई अ नोट ऑलवेज फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ जॉइंट्स ऑफ टू और थ्री मेम्बर इन आवर केस इट इज़ बी एंड सी अब इस कंटीन्यूस बीम में इफ़ यू एन सी यहाँ पे जो हमारा बी है इसने टू मेंबर को जोड़ा हुआ है लाइक ए बी एंड बी सी बोथ आर कनेक्टेड टू जॉइंट बी सो हमारा जो ये बी एंड सी है दे आर बोथ द जॉइंट्स ऑफ दिस कंटीन्यूस बीम एंड ए बी सी सी बी सी डी आर द मेम्बर्स तो वही यहाँ पर मैंने लिखा है ऑलवेज फाइंड आउट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड करने से पहले हमेशा हमारा कितना सारा जॉइंट और उस जॉइंट में कौन कौन सा मेम्बर है वो हमें फाइंड करना है नाउ फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मैंने यहाँ पे टेबल बना के रखा है विच कंसिस्ट ऑफ जॉइंट जॉइंट मतलब बी एन सी मेम्बर बी किस किस पॉइंट से कनेक्ट हो रहा था लाइक ए एंड सी एंड सी इज़ कनेक्टिंग टू बी एंड डी सो द मेंबर इज बी ए बी सी सी बी सी डी मेंबर हो गया अब मेंबर का स्टिफनेस अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ फार इंड इज फिक्स्ड मेंबर स्टिफनेस के इक्वल्स टू फोर ई आई बाई एल इफ़ फार इंड इज हिंज्ड मेंबर स्टिफनेस के इक्वल्स टू थ्री ई आई बाई एल सो इन आवर केस जब हम बी से ए देखेंगे बी से ए तो हमारा ये फार इन फिक्स्ड है तो ये फोर या एल होगा लेकिन जब हम ए से बी देखेंगे तो ये हमारा ये हिंज्ड है अस कंसीडर अ लाइन ये फिक्स्ड हो गया और ये हिंज हो गया और ये ए बी है तो जब हम बी से ए देखेंगे बी से ए ये हिंज्ड है तो ये थ्री ई आई बाई एल होगा अब ए से बी ए से बी जब देखेंगे तो ये ए से बी देखने के बाद ये फिक्स्ड है ये जो हमारा लाइन है ये फिक्स्ड है सो ए टू बी विल बी फोर ई आई बाई एल बट अभी हमारा जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से ये फिक्स्ड है ये हिंस्ड है ये भी हिंस्ड है और यहाँ पे फिक्स्ड है ए बी सी डी नाउ जब हम ए से बी देखेंगे ये हमारा भले ही हिंज हो लेकिन यहाँ पे थ्री ए आई बे एल बिल्कुल नहीं आएगा क्यों क्योंकि हमारा जो फार एंड है सबसे जो लास्ट में है ये फिक्स्ड है ये भी फिक्स्ड है और ये भी फिक्स्ड है क्योंकि हमारा ए एंड डी फिक्स्ड है तो हम जितना भी यहाँ पे फोर्स लगा ले बी सी में ये अपनी जगह से कहीं नहीं जाएगा इट विल रिमेन फिक्स्ड बिकॉज इट इज़ अ इंटरमीडिएट पॉइंट एंड हमारा जो लास्ट का पॉइंट है ए डी आर फिक्स्ड सो इट विल ऑल्सो एक्ट एज द फिक्सड पॉइंट सी ऑल्सो सेम ये भी हमारा फिक्स की तरह ही बिहेव करेगा देट्स वाई जब भी हमारा पॉइंट बी से ए बी से एबियसली यहाँ पे फिक्सड है तो फोर ई आई बाई एल लेकिन जब ए से बी देखेंगे तो यहाँ पर हमारा थ्री ई आई बाई एल बिल्कुल नहीं होगा बिकॉज इंटरमीडिएट पॉइंट है और लास्ट में फिक्सड है सो दिस विल ऑल्सो एक्ट एज फिक्सडेन फ्राम ए टू बी स्टिफनेस विल बी फोर ई आई बाई एल तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है फोर ई आई बाई एल फॉर एवरी मेम्बर स्टिफनेस देर विल बी फोर ई आई बाई एल अब यहाँ पर हमें ए बी में वन पॉइंट फाइव आई आई का वैल्यू है वन पॉइंट फाइव आई तो वही यहाँ पर लिख दिया है मैंने आई का वैल्यू वन पॉइंट फाइव आई एंड बाकी सेम एल का वैल्यू सिक्स हो गया देन गेट आवर वैल्यू ई आई तो वैसे ही बी सी बी सी अब बी सी में obviously दिस बोथ आर इंटरमीडिएट पॉइंट अब बी सी में दिस बोथ आर इंटरमीडिएट पॉइंट लेकिन क्योंकि हमारा लास्ट पॉइंट फिक्स्ड है तो ये अपनी जगह से कहीं नहीं जाएगा इट विल रिमेन फिक्स सो फोर ई आई वाई एल अब फोर ई आई वाई एल में आई हमारा आई का वैल्यू दिया हुआ है टू आई एंड एल एल का हमारा वैल्यू है सिक्स थ्री प्लस थ्री सिक्स सो वैल्यू हम जब रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा वन पॉइंट थ्री थ्री ई आई नाव अगेन फोर सी टू बी सी टू बी सेम थिंग वन पॉइंट थ्री थ्री ई आई नाव फ्रॉम सी डी सी से जब डी देखेंगे तो ऑबियसली यहाँ पर तो फार इंड में हमारा फिक्सड है तो फोर ई आई वा एल आई का वैल्यू वन पॉइंट फाइव आई देन वैल्यू विल बी ई आई नाव ज्वाइंट स्टिफनेस हमारा ये पॉइंट बी है बी में मेम्बर है बी ए बी सी और इस मेम्बर का स्टिफनेस हमने अभी अभी निकाला ई आई पॉइंट थ्री थ्री ई आई जब हम इसे जोड़ेंगे तो हमारा जॉइंट स्टिफनेस आएगा एट बी बिकॉज ये जो हमारा मेंबर था वो हमारा बी जॉइंट का मेंबर था सो जॉइंट स्टिफनेस एट बी इक्वल्स टू टू पॉइंट थ्री थ्री ई आई सेम गोज फॉर जॉइंट सी जॉइंट सी का मेंबर सी बी सी डी और इसका मूवमेंट इसका मेंबर स्टिफनेस वन पॉइंट थ्री थ्री ई आई एंड ई आई सो जब जोड़ेंगे तो आएगा हमारा जॉइंट स्टिफनेस एट सी तो ज्वाइंट स्टिफनेस इक्वल्स टू टू पॉइंट थ्री थ्री ई आई नाव डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का वैल्यू के बाय समीशन के ये जो हमारा ये है मेम्बर स्टिफनेस दैट इज के एंड ज्वाइंट स्टिफनेस इज समीशन के सो के बाय समीशन के मतलब ई आई बाई टू पॉइंट थ्री थ्री ई आई जीरो पॉइंट फोर टू नाइन इज द एंसर तो वैसा ही करके हमारा सारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आ जाएगा यहाँ पे मैंने नोट बनाया जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि हम इस हिंज को क्यों फिक्स मान रहे हैं सो इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन जस्ट रीड दिस नोट नाउ कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट बाय मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सबसे पहले तो हम जॉइंट लिखेंगे जॉइंट बी जॉइंट सी अब जॉइंट बी में कौन सा मेंबर है और जॉइंट सी में कौन सा मेंबर है और बाकी बचा हुआ मेंबर को हम यहाँ पे लिख देंगे ए बी बी से जो जो कनेक्टेड है बी ए बी सी से कनेक्टेड है सी बी सी डी एंड बाकी बचा हमारा डी सी देन वी विल राय द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमारा बी ए में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर था जीरो पॉइंट फोर टू नाइन बी सी में जीरो पॉइंट फाइव सेवन वन सी बी में जीरो पॉइंट फाइव सेवन वन एंड सी डी में 0.429 जीरो पॉइंट फोर टू नाइन नाउ फिक्सड इन मोमेंट जो हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया था फिक्स्ड इन मोमेंट अब उसका टाइम आ गया है टू यूज मैंने यहाँ पे लिख दिया फिक्स्ड इन मोमेंट नाउ हमारा जॉइंट बी में जो मोमेंट आ रहा है जॉइंट बी में जो मोमेंट आ रहा है वो है थर्टी फाइव पॉइंट फाइव फाइव ऑफ मेंबर बी एंड ट्वेंट माइनस ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव ऑफ मेंबर बी सी अब ये दोनों तो जो मेंबर है जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा थर्टीन पॉइंट जीरो फाइव फाइव इस 13.055 को हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5.60 पॉइंट सिक्स ज़ीरो ऑलवेज रिमेंबर जब हमारा फिक्सड इन मोमेंट था अबाउट ज्वाइंट बी ज्वाइंट बी में जो फिक्सड इन मोमेंट आया था उसको सबसे पहले तो हम जोड़ेंगे जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 5.60 माइनस बिकॉज वी आर बैलेंसिंग हेयर इफ़ ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा इफ़ ये नेगेटिव होता तो ये पॉजिटिव होता बिकॉज इन बैलेंसिंग साइन चेंजेस देन थर्टीन पॉइंट जीरो फाइव फाइव इंटू जीरो पॉइंट फोर टू नाइन फाइव पॉइंट सिक्स जीरो थर्टीन पॉइंट जीरो फाइव फाइव इंटू जीरो पॉइंट फाइव सेवन वन टू सेवन पॉइंट फोर फाइव माइनस बिकॉज वी आर बैलेंसिंग वेयर अब इसको जोड़ेंगे ज्वाइंट बी में जो हमारा फिक्स्ड इन मूवमेंट है हम उसको जोड़ेंगे सेवन पॉइंट फाइव आएगा सेवन पॉइंट फाइव को इंटू जीरो पॉइंट फाइव सेवन वन सेवन पॉइंट फाइव इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ सी बी वी विल गेट द आंसर फोर पॉइंट टू एट पॉजिटिव बिकॉज वी आर बैलेंसिंग गयर और बैलेंसिंग में अगर यहाँ नेगेटिव है तो यह पॉजिटिव आएगा नाव सेवन पॉइंट फाइव इंटू जीरो पॉइंट फोर टू नाइन नेगेटिव तो यहाँ पे हम पॉजिटिव लिखेंगे बिकॉज वी आर बैलेंसिंग थ्री पॉइंट टू टू नाव इज टर्न फॉर कैरी ओवर मोवमेंट कैरी ओवर मोवमेंट में जो हमारा यहाँ पे जो मूवमेंट आ रहा है माइनस फाइव पॉइंट सिक्स जीरो सिंपली डिवाइडेड बाई टू इसको हम टू से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा माइनस थ्री पॉइंट सेवन टू फाइव और यहाँ पे कोई मोमेंट नहीं जाएगा सो इट विल बी नल ज़ीरो देन इसको भी डिवाइड करेंगे तो हमारा मोमेंट जाए, जाएगा कैरी ओवर मोमेंट जाएगा फ्रॉम बी सी टू सी बी अब बी सी जो है हमारा सी बी में अपना कैरी ओवर मोवमेंट भेज रहा है जैसे कि पहले बी ए हमारा बी ए में भेज रहा था तो नाउ बी सी टू सी बी विच विल बी थ्री पॉइंट सेवन टू फाइव एंड सी बी अब सी बी सी बी हमारा बी सी को कैरी ओवर मूवमेंट भेजेगा तो टू पॉइंट वन फोर इसमें साइन बिल्कुल चेंज मत करना नाउ सी डी सी डी में हमारा थ्री पॉइंट टू टू था तो वो उसको डी सी को भेजेगा तो वन पॉइंट सिक्स वन विच इज़ डिवाइडिंग बाई टू नाओ बैलेंसिंग अब बैलेंसिंग में फिर से हमें जॉइंट बी को देखना है जब जॉइंट बी को देखा तो यहाँ पे ज़ीरो है एंड यहाँ पे टू पॉइंट वन फोर now obviously we'll get the answer 2.14 now this 2.14 into distribution factor 2.14 into 0 0.429 will get the answer -0.92 minus, minus because we are balancing here and 2.14 is positive so 0 0.92 and 2.14 into 0 0.571 equals to -1.22 again minus because because we are balancing अब यहाँ पे हमारा जो है एट एट जॉइंट जॉइंट सी में हमारा जो वैल्यू आया है वो है माइनस थ्री पॉइंट सेवन टू फाइव और यहाँ पे जीरो है सो so, जब जोड़ेंगे तो ऑब्वियसली यही आंसर आएगा माइनस थ्री पॉइंट सेवन टू फाइव नाउ मल्टीप्लाई दिस वैल्यू इनटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ सी बी ज़ीरो पॉइंट फाइव सेवन वन इंटू थ्री पॉइंट सेवन टू फाइव इक्वल्स टू टू पॉइंट वन थ्री अगेन थ्री पॉइंट सेवन टू फाइव इंटू जीरो पॉइंट फोर टू नाइन विल बी वन पॉइंट सिक्स जीरो पॉजिटिव बिकॉज वे आर बैलेंसिंग हेयर नाउ कैरी ओवर मोमेंट सिंपली जो जो वैल्यू आया है उसको डिवाइड बाई टू करेंगे कैरी ओवर मोवमेंट आ जाएगा यहाँ पे हमारा वैल्यू आया है जीरो पॉइंट नाइन थ्री तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से तो हमारा वैल्यू आ जाएगा जीरो पॉइंट फोर जीरो नेगेटिव बैलेंसिंग और यहाँ पर हमारा आ जाएगा जीरो पॉइंट फाइव थ्री तरीके से यहाँ पे हमारा ये ज़ीरो है और यहाँ पे माइनस ज़ीरो तो पॉइंट सिक्स वन टू मल्टीप्लाई करेंगे विथ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमारा वैल्यू आएगा प्लस जीरो पॉइंट थ्री फाइव प्लस जीरो पॉइंट टू सिक्स अगेन कैरी ओवर मोवमेंट तो हमारा यहाँ पे डिवाइड बाई टू जितना वैल्यू है सबको डिवाइड बाई टू करेंगे तो करीब वो कैरी ओवर मूवमेंट आ जाएगा उसके बाद बैलेंसिंग करेंगे ऑब्वियसली यू नो ये जो वैल्यू है ऐट ज्वाइंट बी एट जॉइंट बी जो भी वैल्यू आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो जॉइंट बी का जो मेंबर है बी ए उसका हमें मोमेंट मिलेगा जी बैलेंसिंग के द्वारा ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो एट अब हमारा ये वैल्यू बहुत छोटा आ गया है मतलब अब इसके बाद जब करेंगे तो ज़ीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो में ही आंसर आएगा सो so, जब हमारा वैल्यू बहुत कम हो जाए तब हम इन सारे को सम कर देंगे लाइक like, ए बी में जितना भी वैल्यू आया था बैलेंसिंग एंड कैरी ओवर मूवमेंट करके जब सबको सब करेंगे तो आएगा हमारा फाइनल वैल्यू माइनस ट्वेंटी टू पॉइंट वन फाइव फाइव तो वैसे ही बी ए को जब करेंगे तो ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव 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 दैन हम जितना भी मेंबर है सबको जब जोड़ते जाएंगे तो हमारा वैल्यू इतना आते जाएगा ये जो हमारा फाइनल जो हमारा वैल्यू आया है यही है हमारा मोमेंट अबाउट ए बी बी सी बी ए सी बी सी डी डी सी सो so, क्वेश्चन में हमें जो पूछा गया था टू कैलकुलेट मोमेंट अबाउट सपोर्ट सो तो, तो, तो हमने कैलकुलेट कर लिया नाउ दिस इज टर्न फॉर बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मूवमेंट सो फॉर पॉइंट लोड डिवाइडिंग सेक्शन इंटू ए एंड बी जब हमारा पॉइंट लोड लाइन को ए एंड बी टू डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है अनइक्वल पार्ट में देन तो हमारा बेंडिंग मूवमेंट का फॉर्मूला होता है पी ए बी वाई एल p का वैल्यू हमें पता है फोर्टी ए इज फोर बी इज़ टू एल इज सिक्स पुट द वैल्यूज विल गेट द आंसर फिफ्टी थ्री पॉइंट थ्री 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 नाउ बेंडिंग मूवमेंट अबाउट बी सी जो हमारा बी सी पॉइंट में जो बेंडिंग मूवमेंट आएगा वो होगा p पी एल बाई फोर क्यों क्योंकि हमारा जो पॉइंट लोड है जो हमारा थर्टी का पॉइंट लोड है वो लाइन को डिवाइड कर रहा है इक्वल पार्ट में थ्री थ्री सो द बेंडिंग मोमेंट फॉर्मूला विल बी पी एल बाई फोर एंड इसमें जब हम वैल्यू रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा फोर्टी फाइव किलो न्यूटन मीटर एंड बेंडिंग मोमेंट अबाउट सी डी यहाँ पे यूडीएल है ऑफ टेन किलो न्यूटन एंड हमारा लेंथ जो है इस मेम्बर का लेंथ है सिक्स वैल्यू विल बी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट बेंडिंग मोमेंट ऑफ स्पान हैविंग यूडीएल इज डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट इज फोर्टी फाइव किलो न्यूटन मीटर तो यहाँ पे मैंने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया है क्योंकि ए बी में हमारा पॉइंट लोड लग रहा था तो ए हमारा पॉइंट लोड यहाँ पर था तो इसका डिस्टेंस फोर है इसका डिस्टेंस टू हो गया पॉइंट लोड यहाँ पर था तो फिफ्टी थ्री पॉइंट थ्री 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 बी सी में इक्वली डिवाइड पॉइंट लोड लाइन को इक्वली डिवाइड कर रहा था तो बीच में एंड हमारा आंसर आया था फोटी फाइव एंड यहाँ पर यहाँ पर हमारा यू डी एल लग रहा था सो इट विल बी करव और उसका हाइएस्ट पॉइंट होगा फोर्टी फाइव यहाँ पे हमने इन मोमेंट डायग्राम बनाया है जो भी हमने मोमेंट्स निकाले थे हेयर वो हमने यहाँ पे रख के फिगर बनाया है फॉर एग्जांपल इफ हमारा मोमेंट आया था मोमेंट अबाउट ए बी वॉज़ ट्वेंटी तो उसको जस्ट ए के ऊपर में जितना हाइट में हम हमें लगता है इमेजिनरी हाइट ट्वेंटी तो मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाया और एक पॉइंट बनाया नाउ मोमेंट अबाउट बी ए एंड बी सी इज सेम बस साइन का डिफरेंस है ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव 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 एंड हेयर इज़ नेगेटिव बट थिंग इज सेम देन अबाउट पॉइंट बी ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव 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 अबाउट सी ट्वेंटी फोर पॉइंट एट एंड अबाउट डी इज़ थर्टी टू पॉइंट फाइव फोर नाव इन दोनों फिगर को सुपर इम्पोज करके मैंने यहाँ पर लिखा है नाव जो एरिया हमारा बेंडिंग मूमेंट के अंदर में शेड हो रहा है जब मैंने इसे सुपर इम्पोज़ किया दैन जो भी एरिया हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के अंदर में शेड होगा वो पॉजिटिव होगा एंड जो भी एरिया बचा हुआ जो बाहर शेड हो रहा है बाहर में जो शेड हो रहा है वो नेगेटिव एंड जो अंदर में जो शेड हो रहा है वो पॉजिटिव एंड दिस विल बी क्लियर यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे सो इन दिस वे वी कैन मेक द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम थैंक यू